है प्रभु यीशु ने छिली पर अगला वाणी बोला, मैं प्यासा हूं। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं योहन्ना रचित सुसमाचार 19 का 28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब उसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका अभी सब कुछ पूरा हो चुका इसलिए कि पवित्र पवित्र शास्त्र में जो कहा गया इसलिए कि जो पवित्र शास्त्र में जो कहा गया पूरा हो पूरा हो कहा मैं प्यासा हूं इसलिए वो कहा मैं प्यासा हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई प्रिय बहन, ये प्यास फिजिकली प्यास नहीं है, स्पिरिचुअली प्यास। यहां पर चुली पे प्रभु का प्यास एक आत्मिक प्यास है। दाऊद ने करा है वचन संहिता उसका 42 का 2 पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है मेरा आत्मा उसी परमेश्वर पर प्यासा है। पढ़ेगा 42:42 का 2 वचन संहिता परमेश्वर जीवित परमेश्वर जीवित परमेश्वर हाँ परमेश्वर हाँ परमेश्वर हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। वो कहा मैं प्यासा हूँ, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं। यहाँ पर एक प्यासा है, वो परमेश्वर का ऊपर का प्यासा को देख सकते, स्पिरिचुअल प्यासा है। प्रिय भाई बहन, ये प्यासा हर बार हरेक का जीवन में होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह इस प्यासा था ताकि सारी मानव जाति के अंदर वो प्यास को देना चाहते हैं। वो प्यास केवल अपना परमेश्वर के भर में। उसी वचन संहिता 63:63 उसका 1 में भी दे सकते हैं। पढ़ेगा हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। हालेलुया। यहाँ पर एक लिखा है इंग्लिश में सोल करके एक वर्ड आता है। उनका प्यासा ये शारीरिक प्यासा नहीं, अपना आत्मा का प्यासा है। प्रिय भाई बहन, दुनिया में बहुत प्रकार की प्यासा रहते हैं। दुनिया के लोगों को कुछ लोगों का प्यासा है पैसा के ऊपर, कुछ लोगों का प्यासा है कोई लड़का के ऊपर, पुरुष के ऊपर, स्त्री के ऊपर, कुछ लोगों का प्यासा है अच्छा अच्छा वस्त्र पर, घर द्वार पर, गाड़ी घोड़ा पर, सोना चांदी पर, कुछ लोगों को प्यासा है खाना पीने पर। प्यास कभी बुझता नहीं है। एक स्त्री था, उसका ऑलरेडी 5 पुरुष था, अभी जो है वो पुरुष नहीं है। 5 पुरुष होने के बाद भी उनका प्यास नहीं बुझा। यीशु ने कहा मैं देने वाला पानी तू पिएगा, तुमका कभी भी किसी भी दुनिया की चीजों में प्यास नहीं लगेगा। अनंत काल के जीवन के लिए, आत्मिक बातों के लिए प्यास लगना सीख जाएगा। हालेलुया। आज प्रिय भाई बहन, सच में प्यास परमेश्वर से बार बार वचन संहिता वाला कह रहा है। वचन संहिता 143 उसके 6 में भी देख सकते हैं। वचन संहिता 143:6 मैं तेरे और अपना हाथ फैलाया हुआ हूँ सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। ध्यान दीजिए, यहाँ पर वचन संहिता वाला के अंदर एक ही प्यासा है, एक स्पिरिचुअल प्यासा। आज प्रिय भाई बहन, मैं अपने जीवन में यीशु के पास आने से पहले बहुत चीज़ों के पीछे घुरा, बहुत नशा के पीछे घुरा, बहुत दुनिया के पीछे घुरा, दुनिया का फैशन मनोरंजन बहुत, मेरा कहीं पर भी तृप्त नहीं हुआ है, कहीं पर भी मेरा जीवन तृप्त नहीं हुआ है, कहीं पर भी
मेरा प्यास बुझा नहीं है। हालेलुया। जब यीशु पे पास आया मेरा जिंदगी का प्यास बुझ गया है, आत्मा तृप्त हो गया है। इसे ऐसे नबी ने करा है, ऐसे नबी का 55 का एक में देख सकते हैं, ऐसे नबी उसका 55 का उसका एक में। आओ सब प्यासे लोगों, आओ सब प्यासी लोगों, पानी के पास आओ, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो, जिनके पास रुपया नहीं हो, अब तो बस पैसा धन दौलत इसमें खर्चा नहीं होता है, बिल्कुल मुफ्त में, जिनके पास रुपया पैसा नहीं हो तुम भी आकर मोल लो, तुम भी आकर फ्री में मोल लो और खाओ, खाओ दाख मधु और दूध बिन बस। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास पैसा नहीं है, ये पानी मिलने में आपका प्यास बुझने में आपका एक पैसा का खर्चा नहीं है, क्योंकि जो खर्चा करना मेरा यीशु मसीह सलीब पर पूरा खर्चा चुका दिया। आज आपका जीवन का जल मिलेगा, जीवन का जल मिलेगा बिल्कुल मुफ्त में, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में। आज ये जीवन का जल आपको फ्री में प्रभु देना चाहते हैं। इसलिए जो भी प्यासे हैं इस अंत पर्व का अंतिम दिन में प्रभु ऊंचा शब्द से पुकारा, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं योहन्ना उसका 4:14 में, परंतु जो परंतु जो कोई जल में से नहीं, सॉरी योहन्ना 7:37 वो पर्व का अंतिम समय, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा, यीशु खड़ा हुआ और पुकार के कहा, यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई भी प्यासा हो तो मेरे पास आए, कोई भी जाति, कोई भी भाषा, कोई भी कुल, आप कोई भी धर्म का किना हो, सबके पास प्रभु यीशु मसीह चिल्लाकर बुला रहा है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए, मेरे पास आओ और पिए, और पिए। हालेलुया। प्रिय भाई बहन, आज दुनिया का किसके पास भी जाएगा आपका प्यास कभी नहीं बुझेगा। पैसा कमा कमा के आज तक किसी का तृप्त हुआ नहीं, कितना करोड़पति अरोड़पति वो उसका पैसा कितना है उनका खुद ही नहीं मालूम है, उसका प्रॉपर्टी उनको कंप्यूटर में कई कंप्यूटर में देखना पड़ता है, तो भी वो भी दिन रात परिश्रम में, ठीक तरह खाना नहीं, सोना नहीं, नींद नहीं, और परिश्रम क्या है, और भी पैसा कमाए, और भी बिजनेस करे, और भी फैक्ट्री करे, और भी ये करे, और भी वो करे, मरने तब तक परिश्रम कर रहे, कभी तृप्त नहीं होता है। एक साड़ी, दो साड़ी, तीन साड़ी लेकर अलमारी में जमा करते रहते हैं लेकिन कभी तृप्ति नहीं होता है। वो लोग ये चिंता हो जाते हैं, अरे अभी अभी खरीदने वाला साड़ी कपड़ा मैं कहाँ रखूँ, मेरे पास अलमारी में जगह नहीं है। वैसा एक आदमी बोला था, अभी इतना संपत्ति हो गया मैं कहाँ रखूँ, मेरा ऐसा करूँगा मैं भंडार को वो तोड़ कर बड़ा बना दूंगा, सब कुछ वहाँ पर मैं इकट्ठा करके रखूँगा। और सोते समय अपने आत्मा से बोला, आत्मा खाओ पियो मजा करो, तुम्हारे लिए अनेक वर्ष के लिए मैं बहुत कुछ कमा कर रख दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु उसको बहुत अच्छा नाम दिया, ए मूर्ख आज तुम्हारा आत्मा को मैं वापस ले लेंगे, तो इकट्ठा करके रखा है किसका है। प्रिय भाई प्रिय बहन, दुनिया का पीछे कितना भी जाएगा आपका प्यास नहीं बुझेगा, आपका आत्मा तृप्त नहीं होगा, लेकिन यीशु ने कहा है पूरा ऊंचा शब्द से, पढ़िएगा दोबारा योहन्ना उसके 7:37 पर्व के दिन में जो मुख्य दिन है, पर्व के दिन में जो मुख्य दिन था, यीशु खड़ा हुआ, यीशु खड़ा हुआ पुकार के कहा, पुकार कर ऊंचा शब्द से कहा, यदि कोई प्यासा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आ, मेरे पास आ जाओ और पिए, और पिए, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, उसके हृदय में से, उनके हृदय में से जीवन के, जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी, बह निकलेगी। हाँ, उसने ये वचन, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय, उस पवित्र आत्मा का विषय में कहा, कहा जिसे उस पर विश्वास करने, जो उन पर विश्वास करने वालों को पाने पर थे, पाने पर थे। थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया।
आज भी प्रिय भाई प्रिय बहन, आज प्रभु के पास एक ही प्यासा है, एक फ्रिक्शनल प्यासा। वो क्या है? पहला हम देखा वचन संहिता के द्वारा, वो जीवित परमेश्वर को पर प्यास रखे। यहाँ पर एक प्यासा बोल रहा है, ये प्यासा क्या है? उनके हृदय से जीवन का जल की नदियां बह निकलेगा। ओ, उन्हीं का केवल प्यासा नहीं बुझाएगा, उनके द्वारा और एक जीवन में प्यास क्यों बुझा देगा। वो क्या है? उनका विश्वास करने वालों पाने वाला उसी पवित्र आत्मा का विषय में। यहाँ पर एक प्यासा के बारे में प्रभु बोल रहा है। वो प्यासा क्या है? पवित्र आत्मा का प्यासा है। प्रिय भाई प्रिय बहन, आपको अंदर में पवित्र आत्मा का अभिषेक का एक प्यासा होना चाहिए। हर दिन जैसा आपको फिजिकली प्यास लगता है, आप लोग पानी पीते हैं, वैसा ही हर दिन क्या करना है? परमेश्वर को ढूंढना है, वो एक प्यासा है। अगला पवित्र आत्मा को भरपूरी करना है, ताकि आपके जीवन में से जीवन का जल की नदियां हर दिन निकलना है। आत्मा से भरना है, पवित्र आत्मा से भरना है, अभिषेक से भरपूरी होना है। आज दिन ब दिन अभिषेक में ढील ढोल तक बढ़ना है। यह है प्रभु का प्यासा। आ जाओ, अपना प्यासा के बारे में नहीं बोला, हम हरेक के लिए वो प्यासा क्या है, ताकि हमारा हरेक प्यास कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बोला है, ये पानी पिएगा, दुनिया का पानी पिएगा, तुम्हारा प्यास लगेगा। दुनिया का कुछ भी चीज कभी आपको तृप्त नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया की पानी से मिटता नहीं मेरा एक प्यास, केवल यीशु। हालेलुया। ओ, इसलिए उस स्त्री से कहा, योहन्ना उसके 4 में लिखा है, योहन्ना रचित सुसमाचार का उसका 4:14 में पढ़िएगा। परंतु जो कोई जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, जो इस जल में से पिएगा, जो उसका मैं दूंगा, प्रभु देने वाला जल, ये कुआ का जल नहीं है, नल का जल नहीं है, पीने वाला फिल्टर पानी नहीं है, जो मैं उसके देगा वो जल पिएगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा, वो अनंत काल तक प्यासा नहीं लगेगा। जो थाली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करे, हालेलुया। अनंत काल तक है, अनंत काल की महिमा तक है, उसके प्यास नहीं लगेगा। ये प्यासा है, चूली पर का प्यासा। क्या प्यासा है? यही प्यासा, यदि वो जल पिएगा अनंत काल तक। और परम जो जल मैं उसे दूंगा, वह उसमें एक सोता बन जाएगा। वो जल पिएगा क्या हो जाएगा? उसके अंदर में सोता हो जाएगा। सोता मतलब क्या? आप कुआं में पानी, वो एक दिन सूख जाएगा, टैंक में पानी सूख जाएगा, लेकिन सोता वैसा है। आप कितना भी निकलेगा उतना आते रहेगा, खंडड़ी आते रहेगा। उसी तरह के अभिषेक, उसी तरह की आत्मा की भरपूरी प्रभु देना चाहते हैं। और जो अनंत काल जीव अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, आनंद जीवन तक उमड़ते रहेगा। दुनिया का सब भी खत्म नहीं होगा, अनंत जीवन तक उमड़ेगा, उमड़ेगा। प्रिय भाई प्रिय बहन, जो भी चीज से दूसरों को देगा तो खत्म हो जाएगा। आपके पास धन दौलत है, कितना दूसरों को बांटते हैं, खत्म होगा। बाकी सारी सोना चांदी खत्म होगा, कपड़ा खत्म होगा, सब चीज खत्म होगा, लेकिन एक चीज खत्म नहीं होगा और बढ़ेगा। वो क्या है? आपके अंदर का अभिषेक। आप उसे अभिषेक को कितना लोग के लिए इस्तेमाल करेगा, कितना लोग के लिए बांटेगा, उतना आपके अंदर में वो अभिषेक सोता का समय जैसा उमड़ते रहेगा। हालेलुया। कभी आपका प्यास नहीं होगा, कभी प्यास नहीं होगा, तृप्त हो जाएगा, परिपूर्ण तृप्त हो जाएगा, आत्मा में तृप्त हो जाएगा, आत्मा में भरपूर हो जाएगा। आपके द्वारा उसी सोते जहां जहां भागता है, सबके जीवन में भी प्यास नहीं लगेगा, भरपूरी हो जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज उसी सोते को, उसी अभिषेक को प्रभु प्यास, जो चूल्हे पर वो प्यास बोला है, एक फिजिकल पानी के लिए नहीं है, एक स्पिरिचुअल पानी। हालेलुया। अगला क्या है? ये अभिषेक के बारे में पौलुस अपना भाषा में बोल रहा है, अपना तरीका से बता रहा है। पहला कुरिन्थी में वो लिखा हुआ है 12:13 में पौलुस अपना भाषा में इस प्यास के बारे में बता रहा है। पढ़िएगा पहला कुरिन्थी उसका 12:13। क्योंकि हम सबने क्या यहूदी, क्या यहूदी, क्या यूनानी, क्या यूनानी, क्या दास, क्या दास, क्या स्वतंत्र, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही आत्मा के द्वारा, एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा, एक देह होने के लिए, एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लिया, और सबको, सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, एक ही आत्मा से पिलाया गया, पिलाया गया।
हालेलुया एक ही आत्मा से पिलाया गया। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज हमारा आत्मा तृप्त हो जाना है, बस सोच जाना है, वो पवित्र आत्मा से होगा। पौल आत्मा तेरे क्या दास क्या सुगंध रे, या गुनानी या अन्य जाति या जो भी भाषा हो जाता है, नीचे पढ़ा लिखा हटपड़ तेरी खंगाल, सबके लिए एक ही तक का पवित्र आत्मा से प्यास बुझाया गया है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा प्यास बुझाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया है। आज हमारा भी प्यास बुझेंगे, जब हमारे का प्यास बुझेंगे, मेरा यीशु मसीह का भी प्यास बुझ जाएगा। वो उसी प्यासा में चुल्ली पर इतना निंदा अपमान दुख सहन किया, अपना शरीर तोड़ने के लिए दिया, अपना नंगा होने के लिए अपमान होने के लिए और तुच्छ जानने के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया और 3 किल में टांगा गया। तकरीबन उसी धूप में चुल्ली में 6 घंटा वेदना का टांगा गया एक ही प्यासा के लिए बस बैठे। और एक इंसान जिंदा परमेश्वर के ऊपर प्यास रखना है, और एक इंसान पवित्र आत्मा से प्यास रखना है, बरबर होना है, और एक जीवन से जीवन की सोखता निकलना है। तीसरा, यह प्यास किसको दिशा जाता है? आप मिला को लेकर अब पढ़ सकते हैं, मत्ती में उसके बारे में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, उसका 25 का 35 में से पढ़ते समय मैं प्यासा सा क्योंकि मैं भूखा था, और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था, मैं जब प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु बोला जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया। ये पानी कैसा प्रभु को पिलाया है? प्रभु बोला है इन छोटे में से छोटे को जो तुम्हें दिया वो मुझे दिया है। प्रभु यीशु मसीह दिशा वो छली पर किस चीज का प्यासा था, हम क्या करना है? एक दूसरे को मददगार बनना है, एक दूसरे को भला करने वाला बनना है, एक दूसरे को प्यार देने वाला बनना है, उनका दुखी में मुसीबत उनके साथ संग करवाने वाला बनना है, बीमारी में हॉस्पिटल में जाकर उनके घर में जाकर उसका पूछताछ करने वाला बनना है, जयकड़े में उनके दाकर उस स्तुति लेने वाला बनना है। पढ़ेगा उसको दोबारा, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, बीमारी था, तुमने मेरी स्तुति ली, मैं बंदीगृह में था, और तुम मुझसे मिलने आए, तब धर्मी उसको लोग उससे पूछा, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा, और खिलाया पिलाया, या प्यासा देखा, और पानी पिलाया, पानी पिलाया, हमने कब तुझे परदेशी देखा और घर में ठहराया, नंगा देखा और कपड़े पहनाए, हमने कब तुझे बीमारी या बंदीगृह में देखा तुझसे मिलने आए? राजा उनको उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे कसम करके बोल रहा हूँ, कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे तुमने मेरे इसी छोटे में से छोटे इस भाई को दिखा कर बोले छोटे में से छोटे को तुम जो दिया वो मेरे ही साथ किया, है। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज भी प्रभु यीशु मसीह प्यासा है। आज कितना लोग उनको पानी पिलाना चाहते हैं, आज भी यीशु मसीह भूखे है। पिछला दिन रात से उसको टॉर्चर किया गया, भूखे थे वो, प्यासा थे, कौन यीशु मसीह को छुरी पर खिलाना चाहते? वो नंगा था, उनके सारे वस्त्र को छीन लिया, कौन उसका कपड़ा पहनवाना चाहते? वो इतना तकलीफ में था, कौन उनका स्तुति लेना चाहते? प्रिय भाई प्रिय बहन, आज भी प्रभु यीशु बोल रहा है कसम खा के इन छोटे में से छोटे को जो तुम कर लिया आज वो मुझे कर लिया। आज हमारे जीवन में एक गुड फ्राइडे, आज कितना लोग प्रभु का मदद करना चाहते उसे चुनी पर इस चट में से चट। आज लॉकडाउन आप कितना हो सकते हैं, दूसरों को बढ़ाई कर सकते हैं, अपना कैसल में बढ़ाई कर सकते हैं, बाइबल में लिखा हकास तौर पर विश्वासी परिवारों को मदद कर सकते हैं। आज ये चिंता आना है, मेरा प्रभु इसी विषय के लिए प्यासा है, इसी विषय में चुली में आज भी प्यासा से बुलाया गया, मुझे प्यासा है, मेरा प्यास कौन बुझाएगा? आज कितना लोग चाहते हैं यीशु मसीह का प्यास बुझाना चाहते हैं। पहला चीज जो परमेश्वर को देना हो परमेश्वर को देना, दूसरा है
जो अपना भाई को जो देना उसके देना दोनों बराबर है। मैंने परमेश्वर से प्रेम करना तो अपना अपना पड़ोसी से प्यार करना है। प्रिय भाई, ये दोनों में पूरा बाइबल हो गया है। आज ये प्यासा प्रभु करता है, प्रेरणा आज भी प्रभु का आत्मा बुला रहा है। जो आज प्यासे हैं वो धन्य है, जो धर्म के भूखे प्यासे हैं। मत्ती उसके 5 में लिखा है, धर्म के जो भूखे प्यासे हैं वो धन्य है। मेरे ख्याल में 5:6 में जो वो तृप्त हो जाएगा, वो परिपूर्ण हो जाएगा, वो भरपूर हो जाएगा। पढ़िएगा, धन्य है वे, धन्य है वे जो धर्म के भूखे, धर्म के भूखे और प्यासे हैं, प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। वो तृप्त किए जाएंगे। प्रिय भाई बहन, हम खास तौर पर चर्चे, हमारा चर्चे का कोई भी भाई कोई भी बहन वो खाई पर भी भूखा ना रहे। हालेलुया, हालेलुया। कम से कम मेरे को इंफॉर्मेशन दे दे, कम से कम मेरे को इंफॉर्मेशन दे दे कि भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे। हालेलुया। आज प्रिय भाई बहन, चूल्ही पर सारी मानव जाति के ऊपर प्रभु प्यास किया चूल्ही से। आज उदार पाने वाले एक एक विश्वासी को देखकर प्रभु प्यास किया है। वो बोला मैं प्यासा खुनी के लिए। आज प्रिय भाई बहन, हमें कुछ प्रभु ताकत दिया, हम जरूर दूसरे को प्यास मिटाना है, हम जरूर दूसरे को प्यास मिटाना है। प्रभु ने कहा है जो प्यासा है वो तृप्त हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 22:17, प्रकाशित वाक्य उसका 22:17, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, हाँ, और सुनने वाला भी कहे, सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो, जो प्यासा हो आज आनंद काल के जीवन के लिए। आज कितने लोग आत्मिक जिंदगी के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए, जीवित परमेश्वर के लिए, मेरा यीशु मसीह के लिए, कितना लोग प्यासा है प्रभु का रेत वचन का ज्ञानी बनने के लिए। जो प्यासा है, जो प्यासा हो वो आए, वो आए, जो प्यासा है वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले ले, जीवन का जल सेत में मुक्त। आज प्रिय भाई बहन, स्वर्ग बुला रहा है जो प्यासा लोग, आज भी बुला रहा है। सिर्फ एक वचन पढ़ के हम समाप्त करना चाहते हैं, टाइम का देंगे। यशायाह नबी का किताब, क्योंकि हमारे बीच और भी दो वाणी है। यशायाह नबी का किताब उसका 44:3 पढ़कर समाप्त करना चाहते हैं। यशायाह नबी का किताब 44:3, क्योंकि मैं परमेश्वर तेरा, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इसराइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूँ, तेरी छुड़ौती में 44:3, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि, मैं प्यासी भूमि पर जल, जल बरसाऊंगा, और सूखी भूमि पर, सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, धाराएं बहाऊंगा, मैं तेरे वंश पर, मेरा मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा, अपने आत्मा और तेरी संतान पर, तेरे संतान पर अपनी आशीष डालूंगा, आशीष को डालूंगा। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं। आज भी मेरा यीशु चूल्ही पर प्यासा है। आज कितने लोग उसी प्यासा को बुझाना चाहते हैं। अब जहाँ पर भी एक मिनट अपने आंखों को बंद कर उसी चूल्ही पर देखे, वहां से प्रभु यीशु मसीह अपने लिए नहीं बोल रहा मैं प्यासा हूं। आज उनका नाम से उदार पाने वाला एक एक विश्वासी के लिए प्यासा हूं। आज हमारे अंदर में हम परमेश्वर के ऊपर प्यासा रखना, वचन से गिदा वाला में देखो परमेश्वर पर पूरा प्यासा है। आज आपका प्यासा कहाँ पर है? संसार के ऊपर, संसार के लोगों के ऊपर, संसार के तन दौलत के ऊपर, संसार की मोह माया के ऊपर, संसार की नशा के ऊपर, संसार की मनोरंजन के ऊपर, या जीवित है परमेश्वर के ऊपर? आज आपका प्यासा किस पर बनी रहता है? वो प्रिय भाई बहन, बाकी जो भी प्यासा है वो कभी बुझा नहीं पाएंगे। एक प्यासा जो जीवित है परमेश्वर को पता, आपका प्यासा हो जाएगा और सब कुछ प्यास आपका बुझा जाएगा। दूसरा किसे है ये प्यास क्या है? बैठे नाम देखा है पवित्र आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो सत्य, उसी सत्य के पानी आपके सारे प्यास बुझा देगा। ये पानी में जो पिता है उसका कभी प्यास नहीं लगेगा, वो अनंत काल तक इनका जीवन में वो सत्य बन जाएगा। पर वो गांधी दिन में यीशु पुकार के कहा, यदि कोई प्यासा है वो मेरे पास आओ, मैं उनका जीवन का जल की जल देगा, वो उनका हृदय से जीवन का जल की नदियां बहेगा। वो उनका विश्वास करने वालों पाने वालों से पवित्र आत्मा का
विषय में कहा, आज भी मेरा यीशु प्यासा है, और एक विश्वासी मसीह का प्यास है, पिता का प्यास है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरपूर होना करके मेरा पापा प्यास किया। और तीसरा प्यास क्या है, आज भी अपना धन भाई कितना भाई लो बहन लो प्यासा है, आज उसको प्यास बुझाना है, जो भूखा है उसको भूखो मिटाना। आज प्रभु बोला इस छोटे में से छोटे को जो दिया वो मुझे दिया है, प्रभु बोला तुम मैं भूखा था तुम मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुम मुझे पिलाया, मैं नंगा था मुझे तुम पहनाया। आज वो धर्मी लोग पूछता प्रभु मैं कब आपको भूखे और प्यासे नंगे देके आपके मदद किया, प्रभु बोला मैं तुमसे सच कहता हूँ इस छोटे में से छोटे को जो दिया वो मुझे दिया है। आज कितना लोग मेरा यीशु मसीह को प्यास बुझाना चाहते हैं, हाथ उठा के प्रभु से बोले पापा मैं आपका प्यास बुझाना चाहते हैं, आपके प्यास बुझाना चाहते हैं, मुझे सहायता कीजिए, मुझे मदद कीजिए। द लॉर्ड ग्लोरियस सब बना रहा सब आमीन आमीन।